CUET 2023 forms जैसे ही ओपन हुए थे, हर एक यूट्यूबर एजुकेटर इंक्लूडिंग माय चैनल, हम सब ने आपको यार यही सलाह दी थी, फिल एज मैक्सिमम कॉलेजेस एंड कोर्सेज एज पॉसिबल इन योर CUET forms। जितने कॉलेजेस जितने कोर्सेज दिख रहे हैं सब पे टिक लगाया ना, उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। बट ये दिल है कि मानता नहीं। आज मेरे पास स्टूडेंट्स की हजारों मिल जाती हैं, सब यही पूछ रहे हैं, सर मैंने जब CVT का फॉर्म भरा था तब मैंने सिर्फ DU टारगेट करा, DU के कुछ कोर्सेज मैंने भर दिए, अब क्या मैं BHU में एडमिशन ले सकता हूं, BHU का काउंसलिंग फॉर्म भर दूं? इसका एक डायरेक्ट सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज यूनिवर्सिटीज ने अभी नहीं करी हुई। इसका मतलब यह है, अगर आप मान लो CVT के फॉर्म में BHU नहीं भर गए तब भी आप BHU काउंसलिंग पोर्टल इस समय भर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता आप CVT के फॉर्म में उसको टिक करके आए थे या नहीं आए थे। इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इस बार कॉलेजेस की नहीं है, तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो CVT के फॉर्म के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिर्फ 2-3 कोर्सेज पर टिक लगा के आ गए होंगे, आज वो बोलेंगे जैसे CVT स्कोर कार्ड आएगा ना देखना, अब आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो 10 कोर्सेज में एलिजिबल होना है, क्या मैं 10 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता हूं DU काउंसलिंग के अंदर? इसका आंसर है यस, आप कर सकते हो। ऐसी और कॉलेज रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।